जगह अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां देश भर में बारिश की वजह से लगातार हाल बेहाल है। आपको बता दें कि कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, जहां कई शहरों में स्कूल भी बंद कर दिए हैं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश भर में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कई सारे स्कूल हैं, जहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर बालाघाट के साथ ही साथ जबलपुर में प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो आप साफ तौर पर इन स्थितियों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारी बारिश का कहर देश भर में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देश भर में अगर बात करी जाए तो कई सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देखिए, मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर बारिश को लेकर अब कई सारे अलग अलग राज्यों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है, जहां मुंबई और तेलंगाना में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थितियां लगातार भारी बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, तो यहां पर भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो किस प्रकार से मौसम का हाल देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कैसी स्थिति है और प्रशासन किस प्रकार से अलर्ट है? देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां सबसे अधिक बारिश का अनुमान लगाया गया मौसम विभाग के अनुसार। मध्य प्रदेश के जो 8 जिले हैं उसमें रेड अलर्ट और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग IMD ने ये जो है ये आंकड़े जारी किए हैं। अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो पूर्वी हिस्से में सबसे अधिक बारिश के अधिकांश बारिश की संभावना जताई गई। इसी कारण से दमोह का, जो मुख्यमंत्री का कल का दौरा था, अत्यधिक बारिश के कारण से दमोह का दौरा भी निरस्त करना पड़ा था। अधिकारियों ने जो है, मध्य प्रदेश के अधिकारी जो है, उन्होंने जो डैम है, मध्य प्रदेश के कुछ डैम है, उनके डैम के जो गेट है वो खोले थे, जिसमें बर्जी जो डैम है उसका गेट खोला गया था, क्योंकि बारिश के कारण से डैम को क्षति ना हो, डैम में अत्यधिक बारिश के कारण से पानी ना हो, गाँव में पानी ना, जैसे डैम के गेट खोले गए थे। जबलपुर में भारी बारिश के कारण से जो है जबलपुर कटनी का जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, वो धस जाता है, इसलिए कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। बारिश के कारण से जबलपुर भी बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। आपने सही कहा कि जबलपुर और कटनी जो है वहां पर बारिश के कारण से स्कूलों की छुट्टी कर दी है। ऐसा नहीं जबलपुर कटनी में, मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर अत्यधिक बारिश के कारण से जो है छुट्टी घोषित कर दी गई। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग, यहाँ सबसे अत्यधिक बारिश दर्ज की जा रही है। नरसिंहपुर, पचमढ़ी और उमरिया जो है वहां पर बाढ़ के हालात है। शुक्रवार को जो बारिश हुई उस कारण से इन 3 जिलों में जो है बाढ़ के हालात हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े अगर आपके सामने पेश करें, अगर मध्य प्रदेश में हम बारिश के आंकड़े पेश करें तो जो प्रमुख जो जिले हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आएंगे कल सुबह 8:30 बजे, शाम को 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास में आया है उसके अनुसार खजुराहो में सबसे अधिक जो है 52 mm जो बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल योगेश, कई सारी ऐसी जगह भी है, जैसे कि अगर हम बात कर ले जाए तो जबलपुर में बरगी डैम से पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में तो प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट मोड पर प्रशासन की ओर से काम भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिये, योगेश हमारे साथ में मध्य प्रदेश से जुड़े थे, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थिति बताई है। और उसके साथ ही अब चलिए आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता अनूप जुड़ गए। अनूप, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, तो फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? जिस तरह से बारिश का अनुमान लगाया गया था उस तरह से बारिश नहीं हुई, और यही वजह है कि 32 उत्तर प्रदेश के 32 जनपद हैं सूखे की कगार पर हैं। और इस बार पूर्वांचल को छोड़ के, पूर्वांचल में वहां पर जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी, पूर्वांचल में बारिश हुई, लेकिन पश्चिमी और अवध और मध्य क्षेत्र में बारिश ना के बराबर हुई।
और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 32 जनपद सूखे की कगार पर हैं। हालांकि ये वक्त, ये जो मौसम होता है, इस महीने होता है, ये मानसून की विदाई का होता है। ऐसे में बहुत ही कम ही उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून जो जनपद सूखे हैं वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने यही कहा है कि एक बार फिर से कहा है कि 3 दिन लगातार बारिश हो सकती, कहीं औसतन बारिश हो सकती, कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मौसम ने आशंका तो जताई है बारिश होने की, लेकिन अभी भी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण उमस पड़ रही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं, लोग परेशान हैं। कल से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी लोगों को राहत नहीं दिला पाई है। और मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि अब बारिश की उम्मीद ना के बराबर ही मानी जाए, लेकिन उम्मीद जताई है कि हो सकता है 3 दिन के अंदर कहीं हल्की बारिश, कहीं मध्यम बारिश, कहीं औसतन बारिश हो सकती है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी, बारिश नहीं हुई है। और यही वजह है कि 32 जनपद की कगार पर है, उस समय विचार मंथन हो रहा है कि उस स्थिति से कैसे निपटा जाए जहां पर बारिश नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारी जगह ऐसी भी जहां पर बारिश ना होने की वजह से किसानों के जो चेहरे वो निराश हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको बता रहे थे, हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी भी बारिश का लोगों को इंतजार है और ऐसे में बारिश को लेकर लगातार इंतजार भी किया जा रहा है। चलिए अब हमारे साथ में संवाददाता विनोद जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। क्या ऐसी स्थिति भी वहां पर देखने को मिल रही है? हाँ अनुपमा, ऐसा है। दिल्ली, अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में येलो अलर्ट किया हुआ है और कुछ जगह पर तो बारिश ने एक सितम सा ढा दिया है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है पर परेशानियां भी साथ लेकर आई है। तो बिल्कुल ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली वासी है वहां पर अगर हम बात कर ले जाए तो कई सारी जगह पर ज्यादा बारिश की वजह से दिल्ली में जो जलभराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्या अब तक निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन कहीं ना कहीं निकम्मा साबित हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती ही जल भराव हो जाता है, रोडों पे आपको पानी पानी दिखाई देखने को मिलेगा। अभी हम कुछ समय पहले की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा था। जी तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम मौसम से संबंधित जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए विनोद दिल्ली से जुड़े हुए थे, उन्होंने दिल्ली का मौसम बताया कि वहां पर किस प्रकार से भारी बारिश की वजह से जो जलभराव है उसकी वजह से जो नगर निगम है, प्रशासन की टीम है, वो निकम्मी साबित हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता सुरेश जुड़ गए। सुरेश, बिहार की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है मौसम को लेकर? उनके एक्टिव रहने के बावजूद भी राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। जी, जून जुलाई के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बिहार से सुरेश हमारे साथ में जुड़े थे, जहां पर सुरेश ने बताया कि किस प्रकार की स्थिति बिहार में भी देखने को मिल रही है। हल्की बारिश वहां पर भी हो रही है, लेकिन वहां पर भी ऐसे कई सारे किसान हैं जिन्हें इंतजार है बारिश का। अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का हाल, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता सुरेश जुड़ गए। सुरेश, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? और देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, अब वहां पर किसानों को कहीं ना कहीं बारिश की आस होती नजर आती है। फिलहाल मौसम विभाग ने वहां पर किस प्रकार से अलर्ट जारी किया है? क्या भारी बारिश होगी या फिर अब भी बूंदाबांदी ही होगी? बता देना चाहूंगा कि एक लंबे समय से जैसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इसके चलते पूरे प्रदेश में 72 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके में दुर्ग, सरगुजा और बस्तर जैसे जो प्रांत जिले हैं वो आते हैं। और जैसे कि राजधानी रायपुर की बात करें तो फिलहाल में यहाँ पे इतना बारिश का कहीं नहीं देखने के लिए मिला है, परंतु जैसे कि हम दुर्ग की बात करें, दुर्ग में कई जिले, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पास अंडरब्रिज वगैरह पानी भर चुका है, जिसके कारण आवागमन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और लोग कहने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर दुर्ग जिले की तो दुर्ग के 24 घंटे में तकरीबन 90 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा हुई है। बात करें बुधवार की तो
बुधवार में लगभग 56.2 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया और साथ ही साथ अंदर बीडो में जो पानी भरा है उसको कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा क्लियर किया जा रहा है और आवागमन को सुगम करने के लिए वहां के कलेक्टर द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और यदि अगर किसी क्षेत्र में बात करें, अगर किसी क्षेत्र में कि पानी वगैरह ज्यादा हो रहा है तो वहां के लिए कलेक्टर द्वारा एक नंबर जारी किया गया है जिसकी मदद से वहां पर जो जिस व्यक्ति को परेशानी वगैरह हो रही है क्षेत्र के अनुसार जो परेशानियां हो रही हैं उनपे डायल करके कलेक्टर द्वारा उनके मदद पहुंचाई जाएगी और साथ ही साथ जिन विषयों पर उनकी परेशानी हो रही उनके समाधान किया जाएगा। और बता दें अगर सरगुजा और बस्तर जैसे जिलों की तो यह एक ग्रामीण क्षेत्र इलाका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीण बसावट ज्यादा है जिसको लेकर के वहाँ पर अलर्ट किया गया है और ग्रामीणों के लिए सुगमता के लिए वहाँ भी नंबर दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं तो उन नंबर पे डायल करके कलेक्टर से सीधा कांटेक्ट किया जा सकता है और उनकी परेशानियों को हल किया जा सकता है। और यही बात बाढ़ की, तो बाढ़ की अभी वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि बात करें धमतरी जिले की तो धमतरी में डैम होने के कारण अगर स्थिति बनती है तो वहाँ के जो कलेक्टर है वहाँ पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है तो वहाँ पे टीम वगैरह पहले से नियुक्त की जा चुकी है जिसको लेकर के अगर स्थिति बनती है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा और वहाँ उनके रहने के लिए भी बहुमूल्य स्थिति बना दी जाएगी और कैंपों में उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा जी। और वही बात जी भिलाई की बात करें तो भिलाई में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अगर स्थिति बनती है जैसे ओवर ब्रिज वगैरह हो गया या जो अंडर ब्रिज वगैरह है उनके नीचे अगर जल भराव की स्थिति बढ़ती है तो उस स्थिति में भी अगर कलेक्ट्रेट द्वारा कार्य किए जाएंगे जी। सबसे बड़ी समस्या होती है सुधीर कि जहाँ पर जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या बाढ़ जैसी स्थिति होती है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, वहाँ पर आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र बसे हुए हैं वहाँ पर किस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है, क्या उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ का हाल हमारे संवाददाता सुधीर ने बताया कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है लेकिन वहीं पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी बारिश का इंतजार है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो कुछ किसान हैं वो निराश होते छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं।